अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में लाएं 95% प्लस मार्क्स। आप सभी को बता दें कि अब तक जो हुआ सो हुआ, जो आएगा अब उसे देखिए। अगर आप लोग वाकई में एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ज़िंदगी में 5 मिनट इस वीडियो को दे देना। अभी भी आपके पास समय है, आप चाहोगे तो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। समय की कद्र कीजिए। अगर आज आप समय की कद्र नहीं करते हो तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। समय आपका है, आप चाहो तो इसे सोना बना दो या सोने में गुजार दो। सोना जो आप सभी लोग बनाओगे तो आप लोग ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। अगर जो स्टूडेंट इस अपने मूल्यवान समय को सोने में गुजारता है तो उसको ज़िंदगी में ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा पछताएगा, जिसका उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि उसका समय तो चला गया है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट आप लोग ये लक्ष्य रखिए कि अपने इस मूल्यवान समय को सोना बना दीजिए, जिससे आने वाला आपका कल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें, जैसा कि इस समय चल रहे हैं अगस्त, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और यहाँ पे मार्च। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो मार्च होता है ये आपका, इस मार्च में क्या होते हैं, आपकी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है मार्च में, और बाकी आपके पास कितने महीने बचे हुए, बाकी यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि आपको पढ़ने के लिए मात्र यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये जो 5 महीना है, ठीक है, यहाँ पे जो ये 5 मंथ है, यहाँ पे जो ये 5 महीना है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है। आल सब्जेक्ट का सिर्फ आपको स्टडी करना है इस 5 महीने में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जनवरी और फरवरी है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें रिवीजन करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग चाहे जितना भी पढ़े हो, अगर आप लोग इस 2 महीने रिवीजन नहीं करोगे तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और उस पढ़ाई का आपका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में बैठते ही सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्टडी लाइफ में, इसलिए आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिए। तो ये 2 महीना आपका रिवीजन में चला जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग मार्च में तो जानते ही हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम होगी। तो आपके पास टोटल सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं जिसमें आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे। और कुछ स्टूडेंट तो अभी भी सोचते होंगे कि नहीं, अभी तो बहुत समय है, चलो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि वो समय की कद्र नहीं कर रहे हैं और आने वाला समय उन्हें बर्बाद कर देगा। इसी 5 महीने में अगर आप लोग कड़ी मेहनत करते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मेरी 100% गारंटी है। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कर देंगे सिर्फ इस 5 महीने में, अगर आप लोग वाकई में एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो और बोर्ड एग्ज़ाम में 90% और 95% लाना चाहते हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग रियल में एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो और बोर्ड एग्ज़ाम में 90% और 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है। सूरज की तरह अगर आप लोग चमकते हो तो आपको क्या करना होगा, सुबह उठना होगा किसी भी हालत में, कोई घर फैमिली चाहे सो रहा हो लेकिन आपको उठना है। अगर आप लोग सुबह उठ करके सूरज को जगाते हो तो आपसे टैलेंट स्टूडेंट कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है, यानी आपको सुबह भोर में 4 बजे ज़रूर उठना है, क्योंकि सुबह की जो भोर की पढ़ाई 1 घंटे की या 2 घंटे की होती है, वो दिन के जो 8 घंटे आप लोग पढ़ते हो उससे कई गुना बेहतर होती है, क्योंकि उसमें आपकी माइंड काफ़ी शांत होती है और कंसंट्रेट के साथ आप जो भी पढ़ते हो आपको याद हो जाता है। इसलिए आप लोग सुबह
आप लोग सुबह जरूर पढ़िए, किसी भी तरह उठिए और अपने टारगेट और लक्ष्य के बारे में सोचिए और सुबह जरूर 2 घंटे पढ़िए, ठीक। तो आप लोग रट्टा मार करके बिल्कुल भी ना पढ़े। अगर आप लोग रट्टा मार कर पढ़ोगे तो बहुत ही जल्दी भूल जाओगे और रट्टा मारने वाले स्टूडेंट अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते। अगर वो बोर्ड एग्ज़ाम में रट्टा मार करके अच्छे नंबर ला लेंगे तो वो नंबर किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें रट्टा मारा हुआ चीज़ सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम तक ही पता है, बाकी उनकी और भी ज़िंदगी जीना है, न कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम टॉप करने हैं। इसलिए आपको बेसिक कांस्टेंट से पढ़ना है, ठीक है। यानी अगर आप लोग बेसिक कांस्टेंट जान जाएंगे तो इसे आप लोग कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए ये जो स्टडी होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है स्टूडेंट लाइफ में। तो इसलिए आपको बेसिक कांस्टेंट को समझिए। और आप लोग अगर कोई भी जैसे पैराग्राफ हो गया या कोई भी हो गए ग्राफ, ठीक है, या कोई भी बड़े क्वेश्चन हो गए, ठीक है, वो आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पैराग्राफ बना करके, ठीक है, आप लोग उसे 3 बार बहुत ही आराम आराम से पढ़िए और उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, काफ़ी ध्यान से समझना है और उसे आराम आराम से एक बार पढ़िए, नहीं आया दूसरे बार तीसरे बार पढ़िए, ज़रूर आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग इस तरह से पढ़िए, वो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम आप सभी को पॉइंट बता दें, तीसरा, 10th और 12th, यानी आप लोग चाहे क्लास 10th या किसी भी क्लास में आप लोग क्यों ना हो, आपको सुबह 2 घंटे ज़रूर स्टडी करनी है। आपको सुबह 2 घंटे यानी कि 4 बजे उठ कर के 4 से 6 बजे तक आपको स्टडी करनी है। ये स्टडी आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। दोपहर आप सभी को यानी कि 2:30 से लेकर के यहाँ पे 5 PM तक आपको स्टडी करनी है, ये आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगी अगर आप लोग स्टडी करते हो तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर शाम को आपको 8 बजे से 11 बजे तक आप लोग 3 घंटे, ठीक है, 11 बजे तक पढ़िए। आप लोग 11+ मत पढ़िए क्योंकि आपको सोना भी ज़रूरी है, इसलिए आप लोग 11 बजे तक पढ़कर सो जाइए। 7 महीने की मेहनत, आपकी जो 7 महीने की मेहनत है आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। समय अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आ सकता, कि आपकी लाइफ में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी करना असंभव नहीं होता है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो ये मूल्यवान समय है आप लोग इसका कद्र कीजिए और आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए। आप लोग कड़ी मेहनत करोगे तो एक दिन आपकी सफलता जो है वो कदम चूमेगी और आप अपना अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इसलिए आप लोग इस समय का कद्र कीजिए और अभी से अपने बचे हुए समय में स्टडी करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।